महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने भले ही जीत हासिल ना की हो, लेकिन उसके बेहतरीन प्रदर्शन ने पार्टी में नया जोश भर दिया है। इसलिए तो पार्टी अब केंद्र सरकार को घेरने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार कर रही है। इसी के तहत अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के महासचिव और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आर्थिक मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार को कांग्रेस पहले ही सोशल मीडिया पर खूब आईना दिखा रही है। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और पीएसयू निवेश तक हर मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया है। कांग्रेस 5 से 15 नवम्बर के बीच देश भर में सड़क पर उतरेगी और जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां गिनाएगी। इसे लेकर ही पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने 2 नवंबर को अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी महासचिव और राज्य प्रभारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पीएसयू विनिवेश, क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी, रोजगार की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से 10 दिवसीय कार्यक्रम में इन विषयों को उठाया जाए और सरकार की पोल खोली जाए। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक विशाल रैली भी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भी किसानों की स्थिति को लेकर दिवाली की पूर्व संध्या पर सरकार को आड़े हाथों लिया था और सरकार को राजधर्म की याद दिलाते हुए मांग की थी कि वो किसानों के हालात सुधारे और जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करे। वहीं अब कांग्रेस सोशल मीडिया छोड़ सड़क से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसे लेकर केंद्र की परेशानी बढ़ना तय है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।